जिस समय भारत में कई लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, अपने धार्मिक नारे लगा रहे हैं, ठीक उसी समय एक होश उड़ाने वाला बयान सामने आया है। आप जानते हैं कि जब देश में आतंकी संगठन हमास का साथ दिया जाता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। भारत में तो सनातन को खत्म करने की बातें हो रही हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक ऐसा धमाकेदार बयान दिया है जो भारत में अब चर्चा का विषय बन गया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने मंच से ऐलान किया कि ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा, सेक्युलरिज्म का पाठ हमें मत पढ़ाइए। हेमंत बिस्व शर्मा पहले ही बोल चुके हैं कि जो लोग हमास का समर्थन करते हैं वो गाजा जाकर लड़ाई लड़े, यहाँ बैठकर भाषण ना दें। चलिए आपको हेमंत बिस्व शर्मा का ये बयान सुनवाते हैं। ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का देश है और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम हम जानता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। मोदी जी छत्तीसगढ़ को अपना दिल से प्यार करता है, इसके लिए हमें कोई सबूत का जरूरत नहीं है। खुद वाजपेयी जी ने यह प्रदेश बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था, और ये प्रदेश और बीजेपी का सम्मान माँ और बेटा का है, हमें कभी भूलना नहीं है। आप लोग माँ है, बीजेपी आपका बेटा है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ेगा, ऐसा ही हमारा संकल्प है।